रेखा जी स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे रेखा जी, आप पहुंचे हैं दिलसाद भाई के बर्थडे में। एक्चुअली इनसे मेरी मुलाकात लास्ट टाइम हुई थी और वो दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लिए। दिलशाद भाई 27 फरवरी को लास्ट ईयर शादी की एनिवर्सरी थी, हमारी एनिवर्सरी पे माइकल केक खाए थे, केक खाए माइकल भाई जिनके थ्रू मैं कनेक्ट हुई हूँ, आकांक्षा मेरी फ्रेंड जो है, तो वो हमने सेलिब्रेट जहाँ किया वो आ रहे थे केक और फ्लावर लेके हमारे लिए, और एक और स्पेशल गिफ्ट थी जो दिलशाद भाई आप थे हमारे लिए, और हमने बहुत अच्छा सेलेक्शन किया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, रोहित जी को मिले, काफ़ी अच्छा माहौल बना वहाँ पे, तो वो हमारे लिए एक स्पेशल दिन था जो इन्होंने स्पेशल किया आकर और अच्छा किया। और आज दिलशाद भाई ये आपका स्पेशल डे है, आपका जन्मदिन है, तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से तो है, मेरे परिवार की तरफ से, और रोहित जी यानी आपके तिवारी जी की तरफ से भी आपके लिए है। मैंने उनको कॉल किया था मगर वो उठाए नहीं, शूटिंग में थे। दूसरी के पीछे पड़े, तीसरी ओरिजिनल घर पे, उनका तो माहौल ही नहीं समझ में आता क्या है, क्या चाहिए उन्हें, देखे ना क्या चाहिए मतलब। और वो जो क्या नाम है उनका जो वाइफ है अंगूरी, अंगूरी अंगूरी खुद इतनी अच्छी है, वो गोरी के पीछे पड़े वहाँ पर, और वो ये घर में इतनी अच्छी है फिर बाहर पड़े, उनका दोनों पे आए हुए। अंगूरी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाय दैया, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। मैं एक्चुअली भाभी इतनी अच्छी है ना, हाँ। और पहले पहले पहली भाभी थी शिल्पा, शिल्पा तो इतना प्यार किया तिवारी जी ने, और उनको क्यों चली गई, दूसरी आ गई शुभांगी आ गई, अब अनीता भाभी हाँ। थी उनको भी इतना प्यार किया गया कि वो चली गई और अभी नेहा आ गई, अभी नेहा आ गई जी, तो भाभियां बदल रही हैं, अभी तो चेंज हुई ना, लेकिन ये भाभी नहीं बदलेगी। नहीं मैं तो मालूम है उनका, मुझे मालूम है, मगर जब मैं बुलाता हूँ तो आते ही हैं, और खुशी होती है जब एक गेस्ट आते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तिवारी जी ने आए, उनकी वाइफ आ गई, हमारे लिए वही बहुत है। रेखा जी आप भी सोशल मीडिया से काफी जुड़े हैं, आप भी कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ अवार्ड्स वगैरह कुछ क्या बताना चाहेंगे, दिलशाद भाई सामने हैं। नहीं एक्चुअली अवार्ड शोज जो मैं जो कह रही हूँ वो सुन लीजिएगा कि जितने अवार्ड शोज आज हो रहे हैं ना, मेरे ससुर जी मेरे फादर इन लॉ ये 40 साल पहले करते थे जी। उन्होंने आप बड़े बड़े नाम लीजिए उनको फेलिसिटेट किया है, और हम जो काम करते हैं आपको पता है, शायद पता या नहीं है, एक बार बताया तो चंडीगढ़ एसोसिएशन के, हाँ हमारा एक एसोसिएशन है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो मेरे फादर इन लॉ सुदर्शन गौड़ जी ने 1955 में शुरू किया था, 1955 से लेके अब तक 65 साल हो गया है, हम नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स फेस्टिवल्स करते हैं, और अब एक स्टेप आगे आने वाले हैं, हमारा एक स्टूडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एडिटिंग ये स्टूडियो, उसके अलावा एक जैसे इन्होंने कहा है कि हमारी बात चल रही है डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म के लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन फिलहाल हम एसोसिएशन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और आप तो हैं प्रमोट करने के लिए, जरूर, तो बस जरूर बताते जाएंगे हमारे लाइक जो से और एक हम जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले इन लोग का कुछ ले लिए दोनों का, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज इस मौके पर काफी दोस्त पहुंचे हैं आपके लेफ्ट राइट दोनों में, क्या कहना चाहेंगे आज जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं बहुत कम मिली, बहुत कम बात की है, लेकिन बहुत ही सिंपल सोबर और दिलशाद बड़े दिल के इंसान हैं, नाम सही है उनका, वही वाली बात है। और मैं सेकंड टाइम अटेंड कर रही हूँ इनका बर्थडे पार्टी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि हमेशा इनसे जुड़ी रहूँ, और क्या बोलूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? I also met him for the first time today actually. So इससे पहले मैं भी कभी इनसे नहीं मिली थी, but I found him very very kind and gentle person. So yeah, wish him very very good luck for whole life. दिलशाद भाई अपने आप में अलग है, बर्थडे कुछ अलग ही होता है, आने वाले मेहमान कुछ खास ही होते हैं। दिलशाद भाई आज की बात करें, क्या थीम रखा है, कुछ अलग हटके? अलग हट के क्या थीम रहेगा, मेरा बर्थडे बनाने का एक ही मतलब रहता है, एक गेट टुगेदर, सब फ्रेंड मिल जाते हैं, पुराने लोग, अभी जैसे इन्होंने बोला बर्थडे में, अभी गए बर्थडे में मिले थे और अब मिल रहे हैं, वैसे मिलना नहीं होता है कभी भी, इस बहाने से क्या होता है सब एक साथ मिल जाते हैं और एक पूरा माहौल बन जाता है दोस्ती। और आपका अभी बात करें, इसके अलावा आपका चैनल भी आ रहा है जी के साथ साथ, उसके बारे में क्या आप करने वाले हैं? चैनल भी चलता रहता है, न्यूज़पेपर भी चलता रहता है, मुंबई हलचल आपको सबको मालूम है,
और कोरोना में मैंने जो लिखा था कि सबको मालूम है मैंने जो लिखा था कोरोना में किसी ने नहीं लिखा था, तो इसलिए मेरा पेपर जो है ज़्यादा पॉपुलर रहता है। सच्चाई लिखने की आदत है और लिखता रहूँगा। सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं बर्थडे पर? बर्थडे पे मतलब मेरे पे तो सब आ जाते हैं, मैं मिस ही नहीं करता किसी को। सारे मेरे गेस्ट आते हैं, जो जिसको बोलता वो आता है। मिस तो उसको किया जाएगा जिसको बुलाए और नहीं आए। आपके ऐसा मेहमान है जिसका नहीं आ पाया हो किसी वजह से? नहीं, मेरे लिए सारे मेहमान खास हैं और मैं किसी को भी अहमियत नहीं देता कि कोई छोटा है बड़ा है, मैं सबको एक जैसा समझता हूँ। आपके बर्थडे पर सारी मीडिया इन्वाइट रहती है हर तरह से, पूरी तरह। आज कैसा माहौल है ऊपर, आपने देखा पूरा कैसा? अच्छा लगता है, और मीडिया तो सब अपने घर की है तो आएगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग आते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने वीडियो बना के विशेष करते हैं, उनको सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स उनको। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, कम से कम 100 से 150 वीडियो डाले हैं। 250 कि आपके बर्थडे की शुभकामनाओं के लिए। फर्स्ट डे से पाँच चल रहे थे वीडियो डेली के, और फरवरी से 10 चल रहे हैं, और अभी आज 2 दिन से 25 वीडियो डले हुए, तो 250-300 वीडियो डलते हैं। चलो हम दुआ करें आपका जन्मदिन के हाथों से एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।